31 अगस्त से प्रारंभ हो रहे गणेशोत्सव के लिए भक्त अपने मंगल मूर्ति श्री गणेश के आगमन में जुट गए हैं। आज नई मुंबई में बीजेपी के स्थानीय नेता संपत सेवाले के नेतृत्व में सैकड़ों भक्तों ने वाशी के महाराजा का नाचते गाते हुए स्वागत किया। इस आगमन कार्यक्रम में बीजेपी नेता सतीश निकम, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष दत्ता गंगाले और पूर्व नगर सेविका दयावती सेवाले समेत तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कोरोना और लॉकडाउन से मुक्ति के बाद वाशी के महाराजा गणेशोत्सव के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। देखिए रिपोर्ट। तस्वीर में नाचते गाते दिख रहे भक्तों का यह नजारा नवम्बई वाशी के महाराजा के आगमन के अवसर का है। ढोल ताशा की गर्जना, सिंहनाद और गणपति बप्पा मोरया की गूंज और जयघोष के साथ हर साल वाशी के महाराजा का इसी तरह स्वागत होता है और यह सब होता है बीजेपी नेता संपत सेवाले और समाज सेविका दयावती सेवाले के नेतृत्व में, जो बीते 20 वर्षों से वाशी सेक्टर 17 में मंगल मूर्ति श्री गणेश की स्थापना के जरिए आस्था और उत्सव का आनंद उपलब्ध कराते हैं। जी हाँ, ये वही सुखकर्ता गजानन है जहाँ हर किसी की मन्नत और मुराद पूरी होती है। इसीलिए तो वाशी के महाराजा को नौशाला पावनारा महाराजा कहते हैं। आज के आगमन का यह आनंद उनके प्रति भक्तों की आस्था का परिचय देता है। यहाँ की पारंपरिक व्यवस्था, शास्त्रीय पूजा अर्चना का इंतजाम और सुविधायुक्त पंडाल भक्तों को खूब आकर्षित करता है। तो 31 अगस्त से प्रारंभ हो रहे गणेशोत्सव में यहाँ विघ्नहर्ता के दर्शन के लिए आप भी आ सकते हैं। पवणारा महाराजा असं या गणपतीचं जनतेमध्ये प्रसिद्ध झालेलं आहे। पाहिलं असं की या ठिकाणी मुकुट असेल, हात असेल, पावन असेल, हार असेल, साधुबंध असेल, हाताचे कडे असेल, कंबर पट्टा असेल, दागिने असतील, कोणी आधार असतील, कोण असेल, अशा सगळ्या प्रकारे या गणपतीला नळंबेच्या जनतेने काही बाहेरच्या जनतेने अर्पण केलेलं आहे। त्यावेळेला एखादा माणूस हे अर्पण का करतो, त्याचं कुठेतरी सवाल पूर्ण झालेलं असतं म्हणून हे अर्पण केलेलं आहे। आणि या गणपतीची नोव्हेंबरमध्ये नवसाला पवणारा महाराजा म्हणून खाती निर्माण झालेली आहे। आणि म्हणूनच आपण पाहिलं असतं की हा आगळा वेगळा आगमन सोहळा आपण पाहतोय, पब्लिक किती, वाद्यवृंद किती आणि पारंपरिक वाद्यवृंद आम्ही या ठिकाणी जपलेला आहे। आणि या गोष्टीमध्ये एकच गणेशाच्या प्रार्थना असेल की माझ्या वार्डातील सगळे देणगीदार, मुंबईतले देणगीदार, यांना आपले आशीर्वाद देऊन, यांनी व्यापारामध्ये असेल किंवा घरातले लोक असतील, निरोगी त्यांचं आयुष्य निरोगी जावं, त्यांच्या व्यापारामध्ये भरभराट व्हावं असं मी गणेशाच्या ठिकाणी प्रार्थना करतो। आणि मिरवणुकीमध्ये जे लोक सामील झालेले आहेत त्याच्याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।